तो दोस्तों हम आज इस पेठे का बनाएंगे मुरब्बा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले जो वाइट वाइट ये जो केमिकल लगे हैं, ये स्किन एलर्जी होती है, इससे आप किसी के फेस पे लगा दो या स्किन पे खुजली होने लगती है। तो इससे पहले हम इसे अच्छी तरह धो लेते हैं, फिर इसे काटते हैं। और दोस्तों ये बच्चों से दूर रखना, बिना धुले इसे बच्चों को टच मत करने देना, स्किन एलर्जी होती है। तो मैं इसे धोने के लिए नॉर्मल पानी लेती हूँ और किसी कपड़े से या कोई रफ चीज़ से इसे मसल के ऐसे धो दीजिए, ताकि जो वाइट वाइट है ना निकल जाए। ये देखिए, ये मेरा 2 किलो का है। आप किसी भी दुकान पे, सब्जी वाले पे परचेज कर सकते हो, नहीं मिलता है तो मॉल में मिल जाता है इन दिनों में। ये हमारा अच्छी तरह साफ हो गया है दोस्तों। अब इसे हम काटते हैं। तो दोस्तों पेठा बनाने के लिए हमें ये जो बीज वाला हिस्सा है इसको निकालना होगा। इसे हम काट लिए हैं और इसको गोल गोल करके, चाहे जिस शेप में इसे काट सकते हो, ये देखिए ये वाला भी हिस्सा हम काट देंगे। इसको ऐसे काटेंगे ताकि हमारा ये दाढ़ वाला हिस्सा हली कर जाए। ये देखिए, और जो हमारा मलबा है इसे हम लिका देंगे। ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है पेठा बनाने के लिए। जहाँ तक इसके बीज वाला एरिया है ये निकाल देते हैं। और पेठा बनाने में दोस्तों वेस्टेज बहुत होता है। अगर आप 2 किलो का पेठा ला रहे हो तो आपका 1 किलो का बनेगा। तो और इसे हम ऊपर से छील लेंगे और इसे भी साफ कर लेंगे बाहर से अंदर से जो, और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। या ऐसे साफ करने के बाद हम काटे वाले चम्मच से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ऐसे ऐसे जितना आप करोगे दोस्तों ना, उतना ये स्पॉन्जी बनेगा और हमारा जो चाशनी है इसके अंदर तक जाएगा। लेकिन आप छोटे छोटे करोगे तो दिक्कत होगा, हाथों में लगेगा। ऐसे ऐसे काटे वाले चम्मच से लेके आप कर लीजिए। बिना ऐसे किए हमारा पेठा बनेगा नहीं, इसलिए हमें पूरे पेठे में ऐसे ही करना है। तो बाकी पेठे हम छील लेंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे, फिर छोटे छोटे 1-1 इंची के, आधा आधा इंची के, जितने बड़े आपको पीसे चाहिए उतना हम काट लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सारा साफ कर लिया है और इसको छील लेंगे और इस काटे वाले चम्मच के जरिए हम पूरे पेठे के अंदर ऐसे ऐसे कर देंगे। और इसे करने के बाद छील के फिर काटे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, जिसे हमारा पेठे बनाने की शुरुआत हो गई है। तो इसे छीलने के और छेद करने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों सारे कद्दूओं को मैंने कोच लिया है। कोचने के बाद इन्हें से छील लेती हूँ। ऐसे छीलते हैं, ऐसे संभाल संभाल के, ताकि हाथ में चाकू ना लगे, क्योंकि इसकी स्किन हार्ड होती है और थोड़ी टाइट भी होती है। छीलने के बाद दोस्तों
मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी जितना आप चाहते हो। मैं एक नॉर्मल पीस दे रही हूँ एक एक इंची का, अब अपने हिसाब से शेप इसका काट लीजिए। और काटने के बाद दोस्तों मैं इसे जो चूना नहीं होता पानवाड़े दुकान से मिलता है खाने वाला, उसे चूने के पानी में इसको 8 से 10 घंटे के लिए मेल्ट होने के लिए रख दूंगी, ताकि हमारा जो अच्छी तरह इसमें का जो कसावपन है ख़त्म हो जाए। दोस्तों पूरा डूबने के लिए हमने पानी रख दिया है। और दोस्तों ये हमारे पास चूना है जो पनवाड़ी दुकान से लेके आए हैं, और ये एक चुटकी था। मैं इसे 10 घंटे मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। 10 घंटे के बाद अच्छी तरह 2-3 पानी से धोऊँगी। पहले से 10 घंटे मैं रेस्ट होने देती हूँ, उसके बाद तो दोस्तों मैंने इसे पूरी ओवरनाइट, मैंने कल रात को 10 बजे मैंने इसे भिगोया था चूने के पानी में, और चूने के पानी में पूरी ओवरनाइट भिगोया था। तो देखिए दोस्तों बहुत हार्ड हो गया है, चूने के पानी में डालने से हार्ड होता है। तो आप चाहे 1 घंटे भिगो चाहे 4 घंटे भिगो, लेकिन चूने के पानी में डालना पड़ता है। आप चाहे एक चुटकी डालो चाहे आधा चम्मच डालो, लेकिन एक चुटकी काफ़ी इसके लिए अगर ओवरनाइट कर रहे हो तो। अगर तुरंत कर रहे हो 1 घंटे के लिए ही तो थोड़ा बढ़ा के डालें। अब बहुत हार्ड हो गया है ये देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह मसल मसल के 2-3 पानी से धोऊंगी दोस्तों। तो मैं चूने के पानी से निकाल के इस वाले पानी में डालती हूँ, नॉर्मल पानी। अब इसको ऐसे ऐसे मसलेंगे ताकि हमारा जो चूने का पानी पिया है सारा निकल जाए, और 2-3 पानी से हल्के हाथ से बहुत बर्फ की तरह उसको हार्ड हो गया है। और इसे हार्ड होने के लिए ही दोस्तों चूने के पानी में डाला जाता है। अगर आप कम टाइम डालना चाहते हो तो थोड़ा चूना बढ़ा लो। मैंने एक चुटकी डाला था, ओवर नाइट रख दिया था क्योंकि बस मेरे पास टाइम नहीं था। अब मैं दूसरे पानी में इसको डालती हूँ। अब दोस्तों ऐसे मसल मल कर 3-4 पानी से धो लीजिए इसे, ताकि चूने के पानी निकल जाए। मैंने 4 पानी से खूब अच्छी तरह मसल कर धो लिया है दोस्तों। अब मैं इसे उबालने के लिए गर्म पानी करती हूँ, और खूब उसे उबालता हुआ पानी में इसे डालूंगी। नॉर्मल पानी में डालना दोस्तों, जब दूर पानी जब उबलने लगे ना खूब अच्छी तरह बहुत तेज़, तभी इसको डालना होता है। तो दोस्तों देखो हमारा पानी उबल रहा है, अब इसमें हम डाल देंगे आराम आराम से जलना में। और उबलते पानी में से डाल दिया हमने, बहुत पानी उबला दोस्तों। अब इसको हम 10-15 मिनट उबालते हैं, जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम ठंडा करके निकाल लेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट तक होने तक इसे उबालते हैं 10-15 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों जब ये अच्छी तरह उबलने लगे, जो ये चारों तरफ जो झाग बनना है चूने का ना, इसे आप ऐसे ऐसे करके निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके
मैंने पानी ज़्यादा था, बह रहा था बहुत तेज़, इसलिए मैंने पानी कम कर दिया है। और मैंने मेरे पानी ज़्यादा था इसलिए साथ साथ बह गया है। तो आप ऐसे ऐसे करके साइड साइड से इसे, जैसे ये है, इसे आप ऐसे करके ऐसे निकाल सकते हैं। जो भी चूना है दोस्तों ना, हमने जो चूना डाला था नुकसान नहीं करता है, वो बस हार्ड करता है। और जब इसे उबालते हैं तो जो उबलता है ना, झाग बनता है, तो ये साइड से निकाल लेते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो तो बह जाता है। मेरा पानी ज़्यादा था तो साइड से बहने लगा था, बहुत ज़्यादा उबल रहा था। तो इसे बार हर 2-3 मिनट पे इसे ऊपर नीचे डोलाते रहें। अब हल्का हल्का हमारा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, एकदम फ्रेश ताज़ा हो गया, ग्रीन ग्रीन हो गया, वाइट वाइट हो गया है। इसे और उबालें हम। ये देखिए दोस्तों, हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, अच्छी तरह उबल गया है। कम से कम इसे उबालने में आधा घंटा लगा है दोस्तों। तो हमारा चूना का पानी भी निकल गया है दोस्तों। अगर आपको जितना कम टाइम इसको चूने में भिगोने में लगाना है, तो कम चूना, ज़्यादा चूना डालना पड़ेगा, ज़्यादा इतना नहीं, मतलब एक तरह से जितना ज़रूरत हो। और अगर ओवर नाइट रखना है तो 10 घंटे रखना है, तो कम चूना डालना है। और जितना आपका ज़्यादा रहेगा उतना ही टाइम ये उबलने में लेगा। मेरा कम से कम 1 किलो है, 1.25 किलो है, तो मेरा आधा घंटा लगा है। आप 3-4 किलो उबालोगे तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा होगी उसे गर्म होने में, उबलने में टाइम लगेगा। तो आप जब तक इसे उबालें, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसको दोस्तों निकाल के मैं ठंडा कर लूँगी और चीनी में मिलाती हूँ। मैं इसे निकाल के किसी और बर्तन में रखती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसे आधे घंटे उबालने के बाद जितने भी हमारे इसमें बैक्टीरिया था, चूना था, सारा ख़त्म हो गया। इससे अच्छी स्वस्थ और अच्छी साफ सुथरी मिठाई आपको नहीं मिलेगी। ये बनाने से पहले भी धुला जाता है, और धुलने उबालने के बाद में इसे ठंडा करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर के लिए मैं इसे कर रही हूँ। कि हल्का फुल्का अगर चूने का पानी इसमें होगा ना, तो हल्का सा निकल जाएगा। अब इसे निकाल लेती हूँ पानी में से। मैंने इसे पानी में से निकाल लिया दोस्तों। अब मैं चाशनी बनाती हूँ। तो दोस्तों हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, हम अपना ये पेठा डालेंगे। पेठा डालने के बाद दोस्तों हमारा लमसम 1 किलो है। ये 19-20 होगा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं, अगर आप कम मीठा खाते हो तो 19-20 कम बेसी कर सकते हो। तो मैं 1 कटोरी चीनी डाली हूँ। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा सकते हो। मैंने 1/2 कटोरी और डाल दिया है दोस्तों, क्योंकि ताकि हमारा ख़राब ना हो, क्योंकि इसको चाशनी में पिलाना है। और इसी कटोरी से दोस्तों 1/2 कटोरी में पानी डालूंगी। ये लीजिए, मैं मेल्ट होने के लिए लमसम 1 कटोरी पानी ले रही थी। और इसे 2 कटोरी चीनी डाला है, 1.5 कटोरी और 1 कटोरी पानी डाला है। और इसे मेल्ट होने देते हैं, इसको अच्छी तरह मिला लेते हैं। और हमें पूरा इसे सुखाना है, मतलब कि चाशनी चीनी पिघल जाएगी दोस्तों। तो हम चाशनी को पूरा एकदम ऐसा सुखा देंगे कि सारा हमारा चीनी है इसके ऊपर भी चढ़ जाए, इसके अंदर भी चली जाए। हम इसको सूखा बनाएंगे बिल्कुल, चाशनी में से तलेंगे नहीं। और इसे हम खुले बर्तन में और
करते हैं दोस्तों, हम एक छोटा इलायची दाना लिए हैं। अगर आपको फ्लेवर और कुछ चाहिए और कुछ भी डाल लीजिए, जैसे केसर हुआ, मैं केसर नहीं ला पाई हूँ इसलिए इलायची डाल ली हूँ। और इसको मैं पीस लेती हूँ। हमने डाल दिया है दोस्तों इलायची के दाने, और इसे अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। और जब तक इसे हम उबालते रहें, जब तक हमारी चीनी मेल्ट होके पूरा पेठा चाशनी पी न ले और सूखा न हो जाए। हमें चाशनी में से नहीं निकालना है, मैं पूरा चाशनी इसे जला दूंगी पेठे के साथ, पूरा सोख लेगा। तो पकाती हूँ इसे दोस्तों। तो दोस्तों पहले से पानी हमारा काफ़ी जल गया है और हमारा जो पेठा है अच्छी तरह चाशनी पी लिया है, हल्का फुल्का है। जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना दोस्तों, जैसे ये है, इसने अभी चाशनी नहीं पिया है। तो इसको हर 2 मिनट पे से घुमा दिया करें, ताकि हमारे चाशनी नीचे वाला पी लिया है तो ऊपर वाला भी पी ले पेठा। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप चीनी जब डालते हैं ना, तब पानी चीनी के अनुसार मत डालिए। जैसे मैंने 1.5 कप चीनी डाला है तो 1 कप पानी डाला है, तो आप 1 कप से भी आधा पानी डाल सकते हैं। क्योंकि ये जब ये भी पानी छोड़ता है, चीनी भी जब पिघलेगा पानी छोड़ेगा, तो पानी चाशनी घोटने में इसको आधे घंटे लग जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह घोट लेते हैं। मैं इसको 15-20 मिनट और पकाती हूँ, ताकि हमारी पूरी चाशनी सोख लीजिए और ये सूखा हो जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा चाशनी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है हमारा पेठा। हम इसलिए पानी कम डाले थे दोस्तों, पानी हमारा फिर भी ज़्यादा था, आप उससे भी कम पानी डालिए अगर आपका 1 किलो का पेठा हो तो। इसलिए दोस्तों कि पानी जलाने के लिए ना हमें बहुत टाइम लगता है, और जो दुकान वाले होते हैं वो तो अपना चाशनी में डुबोते हैं, निकाल लेते हैं, फिर वही चाशनी कई बार यूज कर लेते हैं। तो हमारा तो अपने हिसाब से कहाँ रोज़ बनता है ये पेठा, कभी कभार तो बनाते हैं। तो हमारा ये अब अच्छी तरह बन गया है, अब इसे ठंडा करेंगे तो बचा खुचा सारा ही चाशनी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा पेठा रेडी है। तो दोस्तों हमारा टेस्टी रसीलेदार पेठा रेडी हो गया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तभी कर लीजिए दोस्तों। हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे डिश लेते आते रहेंगे दोस्तों, बहुत ही स्वस्थ और साफ़ सुथरी। और मिठाई से पूजा पाठ में, व्रत व्रत में इसे यूज कर सकते हैं। व्रत में इसका कोई वो नहीं कि आप आपसे नहीं खा सकते, हम लोग नवरात्र के व्रत में, सावन व्रत में खाते हैं। तो बहुत ही अच्छा पेठा बना है दोस्तों। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।